टी का मेरे चैनल में। तो इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो PNG इमेजेस दिए होंगे उसे लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेना है और उसे लाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। सो एक स्काई का PNG और हाउस और एक बैकग्राउंड का PNG होगा बेसिकली। तो सबसे पीछे आपको स्काई का PNG को रखना है, उसके बाद आपको ट्रीज को रखना है, फिर हाउस को रखना है और इसका सारा मूवमेंट होगा आपका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जा कर के जेड एक्सिस से आपको पीछे करना है स्काई को, फिर ट्री को, फिर हाउस को। और रही बात अब ग्रास की, तो ग्रास को सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करके सबसे आगे ले आना है। उसके बाद आपको उसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है और हर डुप्लीकेट लेयर को थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे करते जाना है जेड एक्सिस को यूज़ करते हुए। तो एक आपका फ्लोर का जो है वो देखने को मिलेगा जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। सो इस तरीके से आपको सारे ग्रासेस को कर लेना है जिससे एक आपको एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाए। फिर आपको स्काई को और ट्रीज़ को और हाउस को नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देना है जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया। अब आपको कैमरा को जो है इम्पोर्ट कर लेना है एड ऑब्जेक्ट पे जाके। तो कैमरा में आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। तो बेसिकली इस की फ्रेम से आप कैमरा के मूवमेंट को डिसाइड कर सकते हैं कि कैमरा किस तरह मूव करेगा। तो मैं कैमरा को अंदर से बाहर की तरफ लाते हुए मूव कराना चाहता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से की फ्रेम को सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप कैमरा के मूवमेंट को चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने कैमरे के पहले की फ्रेम को ऐड किया। यहाँ पे मैं पोल को ऐड कर लेता हूँ जिसे एक अच्छा सा व्यू देखने को मिल जाएगा। सो पोल को ऐड करते हैं। पोल जो है हमारा ऐड हो चुका है। अब याद रखिए कैमरा को ऑन करना ना भूले। कभी भी कैमरा को सेट करें तो कैमरा ऑन करने के लिए आपको कॉर्नर में एक बटन मिल जाएगा तो जिसे साइड बार खुला और एक कैमरा होगा ग्रीन हो जाएगा जैसे ही ऑन करिएगा। तो अब सेकंड की फ्रेम देते हैं। सेकंड की फ्रेम आपका थोड़ा सा जेड एक्सिस को मूव कराते हुए हम देखें मूविंग ट्रांसफॉर्म से बाहर की तरफ रखेंगे जिसे एक एनिमेशन आएगा कि कैमरा अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा हो। सो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए अब एक लास्ट की फ्रेम भी हमें देना होगा ताकि एक अच्छा सा व्यू आए पूरे वीडियो में। तो उसे भी हम सेट कर लेते हैं। तो अब फाइनली आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एनिमेशन आ रहा है, कैमरा का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टेक्स्ट का लिंक दिया होगा उस पर जा कर के अपने अनुसार जो आपको टेक्स्ट रखना है उसे टाइप कर लेना है। सो उसे टाइप करने के बाद उसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब आपको टेक्स्ट को जो है एक्सपोर्ट कर लेने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। तो टेक्स्ट इंपोर्ट हो चुका है तो इसमें जो इफ़ेक्ट होगा वो ग्रीन स्क्रीन का आपको ऐड करना होगा। तो वो इफ़ेक्ट आपको दे दिया होगा लिंक XML वाला, तो हम देख लेंगे उस इफ़ेक्ट को। अब हमें सेट कर लेना है कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पर रहेगा। तो ग्रास पे हमें दिखाना है तो ग्रास पे हमें नीचे जेड एक्सिस का यूज़ करते हुए इसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद जिस तरीके से हमें और भी सारे वर्ड्स को जितने भी वर्ड्स को हमको चाहिए वो सारे को हमको यही करना है, एडजस्ट करके अपने कैमरे मूवमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना है टेक्स्ट को। सो मैं भी वही कर रहा हूँ अभी। तो फाइनली जो है वीडियो हमारा लगभग तैयार हो चुका है, बस एक आखिरी वर्ड को मैं सेटअप कर लेता हूँ। सो ये भी लगभग सेटअप हो चुका है।
फाइनल में आपको इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी मिनिमल है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।